Hello everyone, this is me Nikita and today I am going to teach you the component of food chapter 2 and this is my part 2 video, okay? इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी आज टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, टेस्ट फॉर प्रोटीन, टेस्ट फॉर फैट, ठीक है? इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो में मैं आप लोग को बता चुकी हूँ बेसिक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फूड के बारे में और वाटर एंड रफेस के बारे में, ठीक है? बेसिक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फूड क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सब जो होते हैं बेसिक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फूड होते हैं और उस सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट और विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है? अब उस सबको जान लिए तो अब उसके टेस्ट के बारे में जानेंगे कि उस सबको टेस्ट कैसे करते हैं, ठीक है? चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है? टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स वो होता है जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है? और कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ फाउंड होता है? शुगर में। कार्बोहाइड्रेट्स अधिकतर मात्रा हम लोग को शुगर में मिलता है, ठीक? चलिए स्टार्ट करें। कार्बोहाइड्रेट इज़ द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ फूड। इट प्रोवाइड अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज यहाँ बोला गया है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स मेन कॉम्पोनेंट होता है फूड का और हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक? और ये ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। सेकेंड पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन स्टार्च एंड शुगर। कार्बोहाइड्रेट कहाँ फाउंड होता है? स्टार्च एंड शुगर में, ठीक है? फॉर द फूड आइटम। अब हम लोग जानेंगे कि एग्जाम्पल क्या क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, राइस, ब्रेड एंड स्वीट एंड जूस, ये सब में क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है, ओके? चलिए अब हम लोग इसके टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इसको हम लोग कैसे चेक करें और कैसे पता चलेगा कि हम लोग को कि ये सब में कार्बोहाइड्रेट्स है या भी नहीं, ओके? लेट्स स्टार्ट। टेस्ट फॉर स्टार्च, ओके? कोई भी हम लोग को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को सामान क्या क्या ज़रूरत होता है वो हम लोग जानेंगे, ठीक? मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर स्टार्च, ठीक है? आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, ड्रॉपर चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ एग्जाम जैसे राइस, पोटैटो, ब्रेड, ये सबसे हम लोग चेक करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स है या नहीं, ठीक है? सबसे पहले अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग पोटैटोस को लेते हैं चेक करने के लिए, जैसे कि पोटैटो को हम लोग पहले लेंगे, उसको पिल कर देंगे, स्लाइस में उसको काट देंगे, ठीक? और उसमें 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या फ़र्क देखेंगे उसमें, क्या केमिकल चेंज आ जाएगा, क्या चाहिएगा, कलर का आएगा, जो कि कलर जो चेंज होगा वो किस में आ जाएगा? ब्लू एंड ब्लैक में आ जाएगा। अगर ब्लू एंड ब्लैक में अगर कलर आता है तो अब ये हम लोग को पता चलता है कि ये इस पोटैटो में स्टार्च है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, ओके? चलिए, टू टेस्ट द कार्बोहाइड्रेट इन द फूड वी नीड द डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। कार्बोहाइड्रेट्स को चेक करने के लिए कोई भी फूड में तुम लोग को क्या चाहिए? आयोडीन सॉल्यूशन। सेकेंड, टेक अ रॉ पिल्डेड पोटैटो स्लाइस एंड एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। फिर उस पोटैटो में हम लोग क्या करेंगे? 2 से 3 ड्रॉप ऐड करेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। फिर आफ्टर डैट क्या फाइंड करेंगे? गिव कलर्स चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू ब्लू एंड ब्लैक। ब्लू एंड ब्लैक में क्या हो गया? कलर चेंज हो गया और दिस शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ये हम लोग को क्या शो करेगा? प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, ठीक है? समझ में आएगा। अब इसको हम लोग राइस के साथ भी कर सकते हैं, ब्रेड के साथ भी कर सकते हैं, जिसमें हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है वो सब के साथ चेक करके देखेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? ब्लू एंड ब्लैक कलर ही मिलेगा, ओके? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि टेस्ट फॉर प्रोटीन के बारे में। सबसे पहले प्रोटीन क्या होता है ये तो पता है। प्रोटीन जो होता है हमारे बॉडी को ग्रोथ बनाने के लिए बहुत काम करता है, बहुत हेल्प देता है। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड। ये हमारे बॉडी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं, ठीक है? अब प्रोटीन किस किस में मिलता है? दाल में मिलता है। किस में मिलता है? दाल में मिलता है, चिकन, एग, ये सब में मिलता है और भी सब में मिलता है। चलिए अब हम लोग इसको देखेंगे टेस्ट ऑफ फॉर प्रोटीन को चेक करने के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है। चलिए अब इसको भी टेस्ट करने के लिए तो क्या ज़रूरत पड़ेगा हम लोग को? मटेरियल, टेस्ट ट्यूब, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा, वाटर एंड प्रोटीन फूड आइटम, ठीक है? चलिए हम लोग को इसको टेस्ट करने के लिए टेस्ट ट्यूब भी चाहिए होगा। इसको टेस्ट करने के लिए जैसे कि हम लोग दाल को पहले चेक करते हैं। अगर हम लोग को दाल में देखना है कि प्रोटीन है या नहीं तो क्या करेंगे? सबसे पहले उसका पाउडर बनाएंगे या फिर उसका पेस्ट बनाएंगे, उसको हम लोग पहले टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, ठीक है? उसको टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद उसमें 10 ड्रॉप वाटर ऐड करेंगे और उसको फिर मिला देंगे, ठीक है?
उसके बाद क्या करेंगे कि ड्रॉपर्स लेके दो ड्रॉप हम लोग कॉपर सल्फेट डालेंगे टेस्ट ट्यूब में और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा NaOH डालेंगे और उसको सेक कर देंगे। कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH, ओके यहाँ मैंने लिख दिया है। फिर उसके बाद टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको सेक करेंगे, दोनों को मिलाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग को क्या ऑब्जर्व मिलेगा कि जो कलर है वो चेंज होके किस में वॉयलेट में आएगा और वो इंडिकेट करेगा प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड। अगर वॉयलेट में चेंज होके आएगा तो समझ जाओ कि उसमें प्रोटीन की मात्रा है, अगर वॉयलेट में नहीं आएगा तो क्या उसमें प्रोटीन नहीं है। ठीक है, चलिए टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। कोई भी आइटम जैसे दाल को ले लो, फिर उसके बाद उसका पेस्ट या पाउडर बना लो और फिर उसके बाद वो फूड आइटम जैसे दाल जिसको लिए हैं हम लोग उसको टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और 10 ड्रॉप जो है वाटर डालेंगे और उसको मिलाएंगे, सेक इट करेंगे। फिर उसके बाद जो ड्रॉपर की सहायता से, ड्रॉपर जो होता है उसको सहायता से टू ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट डालेंगे टेस्ट ट्यूब में और 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा डालेंगे, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में। फिर उसके बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे हम लोग, ऑब्जर्व करेंगे वॉयलेट कलर जो होगा चेंज हो जाएगा और वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, और वो इंडिकेट करेगा क्या प्रोटीन इस फूड में है, ठीक है। और इस टेस्ट को और भी एक नाम बोलते हैं, बायूरेट सॉल्यूशन के नाम से भी इसको जाना जाता है, BIURET, दिस इज़ अ बायूरेट सॉल्यूशन, इसको नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग देखेंगे फैट के बारे में। फैट क्या होता है, फैट भी एक एनर्जी देता है, ओके। और चलिए अब हम लोग इसको मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या चाहिए। इसमें ज़्यादा कोई मटेरियल्स नहीं चाहिए हम लोग को, ओनली पेपर चाहिए और फूड आइटम्स है जैसे बटर। ऐसे फैट का एग्जांपल क्या क्या होता है, बटर होता है, घी होता है, चिप्स, मीन्स सारे ऑयली चीज़, ओके, जिससे कि हम लोग फैट होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इन इजी वे हम लोग को समझना है। जैसे बटर के साथ हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट कर रहे हैं, तो बटर को क्या करेंगे, लेंगे और एक पेपर में उसको रैप कर देंगे और फिर उसको निकाल के उसको सनलाइट के सामने रखेंगे तो क्या हम लोग को दिखेगा, पूरा ऑयली ऑयली पिच दिखता है, समझ में आया। तो वही ऑयली पिच अगर दिखेगा तो पैच दिखेगा तो क्या समझना है कि इसमें बहुत ही फैट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग अपने घर में भी करते हैं, जैसे पूड़ी छानते हैं ना हम लोग, तो पूड़ी निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, ऑयली होता है, और फिर उसको पेपर में हम लोग करेंगे तो क्या होगा, पूरा ऑयल निकलता है उसमें, तो इससे पता चलता है कि उसमें कितना फैट है, ठीक है। चलिए टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम एंड टू बी टेस्टेड लाइक बटर, ओके, जैसे बटर में हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। आफ्टर दैट टेक अ पेपर, उसे पेपर लेंगे, उसको रैप करेंगे और फिर उसको क्रश करेंगे, पूरा मोड़ देंगे, ठीक है, फिर उसको सीधा करेंगे, स्ट्रेन द पेपर, ठीक है। फिर उसके बाद वो ड्राई पेपर को कहाँ, सनलाइट के पास लेके जाएंगे, तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, उसमें ऑयली चीज़, एकदम ऑयली तेल, जिसको ऑयली को बोलते हैं तेल, पूरा तेल तेल दिखने लगता है, ठीक है, वो चीज़ दिखेगा तो क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ फैट इज टेस्टेड द फूड आइटम। फिर उससे हम लोग को क्या पता चलेगा कि इसमें फैट बहुत अधिक मात्रा में है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए ये मैंने आप लोग का क्लियर कर दिया। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को और भी बताऊंगी जो Part 3 वीडियो रहेगा, ठीक है, व्हाट डू न्यूट्रिएंट्स, वो सब के बारे में बताऊंगी, ओके। चलिए सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड थैंक यू।